वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू वीडियो ऑफ सुपर स्प्लेंडर 2017 मॉडल। और चलिए बात कराते हैं आपको इनके ओनर से, इनके क्या क्या है इसमें। ये हैं ओनर सुपर स्प्लेंडर के, और ये हमें बताएंगे कि क्या आपने यही गाड़ी क्यों ली। इसके कंपैरिजन में तो और भी गाड़ियां आती हैं, जैसे कि एक्सट्रीम हो गई और आपकी पैशन प्रो हो गई, और भी काफ़ी एसपी आ जाती है होंडा की, और लीवो भी आ जाती है। आपने यही क्यों ली भाई? इसकी खास बात यह है कि ये गाड़ी, पहली बात, अपनी सीट में बहुत ही कंफर्टेबल है और इसके एवरेज बहुत ही अच्छा है। चलो, और कोई अच्छी बात इसकी? हाँ, और इसकी ये एक बात और अच्छी है कि ये चलने में भी बहुत ही अच्छी है। और भाई, ये गाड़ी 2017 में लॉन्च हुई थी, और उस टाइम भी इसका जो खास फीचर था, जो सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया गया था, वो था इसका i3s सिस्टम। ये अब भी काम करता है और अच्छा काम करता है। और बात करें अगर हम लोग इसकी लाइट की, तो लाइट का प्रेजेंस ऐसा है कि स्प्लेंडर से काफ़ी बेहतर है। और कंपेयर करें आप अगर पैशन प्रो वगैरह, पैशन प्रो और भी गाड़ियां हैं उनके मुकाबले में काफ़ी अच्छा इसका थ्रू है। और इसका व्हील बेस भी काफ़ी अच्छा है कि रोड पे अगर जब भी चलेगी तो पकड़ बना के चलती हो। इंजन भी इसका काफ़ी अच्छे सीसी का, इंजन इतना दमदार है कि स्प्लेंडर तो दिखती नहीं है। तो भाई, ये गाड़ी का हिट होने का मेन कारण यही था कि इसकी सीट इतनी कंफर्टेबल है कि फैमिली वाले अगर बंदे हैं फिर भी तीन आराम से बैठ जाते हैं। वैसे तो तीन को बैठना नहीं चाहिए, फिर भी अच्छे खासे बैठ जाते हैं क्योंकि सीट आरामदायक है। और बात करें इसके सॉकर की, सॉकर इसके इतने कंफर्टेबल है कि आप अगर चलाते हो, मतलब गांव के एरिया में रहते हो, फिर भी इतने बढ़िया हैं कि आपको झटके महसूस नहीं होते ज़्यादा। और बात करें हम इसकी स्पीड की, देखो स्पीड तो वैसे इसकी काफ़ी अच्छी है, पर भगाना तो नहीं चाहिए, 100 से पार भागेगी भी नहीं। फिलहाल मैंने अभी देखा तो ना 90 और 95 आराम से जाती है और कोई दिक्कत नहीं होती उड़ने में। और बात करें हम अगर इसके इंजन की, तो इसका इंजन भी काफ़ी दमदार है। इसके कंपैरिजन में जितनी भी गाड़ी आती है उनके कंपेयर में अगर किया जाए, तब भी इसका जो भागने की कैपेसिटी है वो उन सबसे ज़्यादा है। और एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि इस गाड़ी ये सबसे ज़्यादा चलती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो 125 सीसी का इंजन आता है जिसमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी आती है, और एक सिलेंडर इंजन है, और जिसमें 10.72 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। और अगर हम बात करें इसके फ्रंट सॉकर की, तो फ्रंट सॉकर इसमें दे रखा है टेलीस्कोपिक सॉकर। और अगर हम बात करें इसमें बैक सॉकर की, तो ये दे रखा है 5-step एडजस्टेबल सॉकर। और अगर हम बात करें इसके टायर की, तो टायर का साइज रखता है 18 इंच, दोनों 18 इंच के टायर हैं। और जिसमें फ्रंट का अगर व्हील बेस देखा जाए तो है 18 by 100 का, और बैक का है 19 by 90 का। तो भाई, बातें तो बहुत हो गई, अब चलो चलते हैं इसके ड्राइव लेने, ड्राइव का कैसा मजा है, और ओनर से भी पूछेंगे कि क्या क्या इसमें दिक्कतें आई हैं और क्या क्या इसमें अच्छी बातें हैं। चलिए दिखाते हैं आपको इसकी राइड लेने और देखते हैं इसमें कैसी है ये चलने में। भाई कैसी है चलने में, मजे आ रहे हैं भाई? चलो देखते हैं, हम भी चला के देखेंगे कैसी चल रही है। मौसम भाई लोग देखो कितना सुहाना लग रहा है। ये हमारा स्टेशन है पीलीभीत का, कितना सुहाना स्टेशन भाई लोग चलते हैं। तो भाई चलते हैं अब इसकी राइड लेने, देख के आते हैं कैसी चल रही है, कैसी है मजे कैसे इसके चला। तो बताइए भाई, आपको कैसी लगी गाड़ी चलाने में? गाड़ी चलाने में तो बहुत बढ़िया, इसका इनिशियल अच्छा है, पर बात यह है कि इसका सेल्फ अभी खराब हो चुका है तो काम नहीं कर रहा, पर गाड़ी बढ़िया है, सर्विस पे दे देंगे आप तो
ठीक हो जाएगी। बढ़िया है वैसे, रिव्यू तो इसका काफ़ी अच्छा है। अब तक इतने साल हो चुके, 5-6 साल हो गए, लेकिन गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई देखा जाए। बातें तो बहुत हो गई यार, लेकिन मेन चीज़ तो रहेगी, आपको ये बाइक पड़ी कितने की? तो भाई मुझे ये बाइक उस टाइम पे 68,000 की पड़ी। चलो अच्छी बात है। वैसे गाड़ी कंडीशन तो बढ़िया है, अब तक तो अच्छी चल रही है, और देखने में आपने इसकी कंडीशन भी काफ़ी मेंटेन करके रखी है, मतलब केयर करते हो आप इस गाड़ी की। चलो ठीक है यार, केयर करना भी चाहिए भाई, गाड़ी ले रहे देखो पैसा दे रहे हो यार, तो केयर तो ज़रूरी है। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरी वीडियो में, चलिए स्टार्ट कर दें, बाय। तो भाई लोग, अगर आपको थोड़ी बहुत भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल का नाम है निखिल गैराज रिव्यू, आप ज़रूर जाके उस पर सब्सक्राइब करें।